कांथा कढ़ाई पश्चिम बंगाल की पहचान है। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी 5 दशकों से कांथा कसीदाकारी को आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। वे ग्रामीण महिलाओं को कांथा कला में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बना रही हैं। कांथा स्टिच 1990 में शुरू किया, तो मैं बहुत पुरानो काम करता, वो जो 400-500 बरस पहले में जो होता है वो जो थ्रेड निकाल के जो बनाता है, तो वो देखे बनाया, बहुत अच्छा काम था। मेरा बंगाल में तो बहुत अच्छा काम था, अमेरिका होनोलुलु गया जिस टाइम में 10 बरस था, उस टाइम में मेरे को पिताजी चला गया, तो बहुत तकलीफ में पड़ा। मेरा फ्रेंड वो सिलाई वो करता था, तो मैं उनको देख के मैं सिलाई किया। वेराइटीज एम्ब्रॉयडरी मारवाड़ी का जो जोड़ी चुमकी शलमा और बहुत बॉर्डर लगाया, बहुत फ्लावर बनाता है, वो साड़ी में डालता है, वो सब काम मैं सीखा। वो करके मेरा संसार में हेल्प हुआ। वो सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इतना सूक्ष्म काम है। फर्स्ट टाइम में तो 10-15 ऐसी लड़की को सिखाया, उसको बाद तो और लड़की आता है उनको सिखाता है। जो इतना स्टिच है, वैरायटी स्टिच है, तो वो बनाना सीखने में बहुत टाइम लगता है। वो बैलेंस का काम है, आँख का निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लड़की लोग को उनको पेशेंस है, बहुत पेशेंस लगता है, तो जिसको है वो बहुत अच्छा काम करता है। कांथा भारत में कढ़ाई के सबसे पुराने रूपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कढ़ाई की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्री का पुनः उपयोग करना था। इसमें कलात्मक रूप से सूती या रेशमी कपड़े पर फूल, पक्षी, जानवर आदि आकृतियां बनाने के लिए टांके लगाए जाते हैं। एक वक्त था जब इस कला में पुरानी साड़ियां और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती थी। अब तो कांथा कढ़ाई में कई तरह के परिधान और नए कपड़ों का इस्तेमाल होने लगा है। कढ़ाई में रंगीन धागों का खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। प्रीतिकाना गोस्वामी को बहुत मुबारक। ये वेस्ट बंगाल का जो कांथा का काम है, ये शायद हजारों साल पुराना है। ये यूज किया जाता था जब कपड़े फट जाते थे और पुरानी साड़ियों को ले लेके एक दूसरे के ऊपर लेयर करके, ये हाथ का जो रनिंग स्टिच का काम है, इसको ये जो रिवाइवल है और ये रिसाइकलिंग है वो कहते हैं आजकल। और आजकल तो फैशन में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने कपड़े रिसाइकल करें, और ऑल्सो दिस इज गोइंग टू जनरेट सम इनकम फॉर ऑल द पीपल दैट शी इज टीचिंग। सो बहुत बधाई। कांथा कसीदाकारी बहुत महीन काम है। प्रीतिकाना गोस्वामी इस पारंपरिक कला को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाकर इस कला परंपरा को संरक्षित करने के साथ साथ महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। कांथा साड़ियों के साथ साथ रेत की कोजी, पर्स आदि उत्पाद भी बना रही हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इन्हें प्रदर्शित कर विश्व भर में इनका प्रचार कर रही हैं। कांथा हस्तकलाकार प्रीतिकाना गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।